हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैंने अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेटा नॉर्मली कुछ नए वर्ड हमारे पास अकाउंटिंग में यूज होंगे, जब तक हमें उनका मीनिंग मालूम नहीं होगा, जब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जो बेसिक इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला बेटा अकाउंट, अकाउंट इज द समरी ऑफ प्रीवेलेंट ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं, लिख देते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। जैसे परचेज अकाउंट, तो टोटल परचेज की इंफॉर्मेशन वहाँ पर होगी। रेंट अकाउंट, तो रेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पर होगी। एसेट्स, एसेट्स इज ए रिसोर्स, एसेट्स एक आपका रिसोर्स है। एसेट्स इज ए रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटरप्राइजेज, जिसके ऊपर एंटरप्राइज का कंट्रोल होता है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जो आपकी किसी पास्ट इवेंट का फल आपके पास में है। एंड द सोर्स ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर, और इससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है, एक सोर्स है आपका प्रॉफिट का, रिसोर्स है आपके पास में। एक एसेट्स हमारे पास में मेनली दो टाइप की हैं, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो लंबे समय तक यूज होती हैं, करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती हैं। करंट एसेट जिसको हम विद इन वन ईयर और अकाउंटिंग पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो करंट एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स दो होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जो दिखाई देती हैं वो टेंजिबल एसेट्स हैं, जो दिखाई देती हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसको आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ नाम ही देखने हैं हमारे को। लिक्विड एसेट्स, ये करंट से भी कम टाइम में, करंट एसेट्स से प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, तो बाकी जो एसेट्स बचती है हमारी वो हमारी लिक्विड एसेट्स होती है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बट एंटरप्राइज के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, किसी का आर्थिक मदद की, आर्थिक एहसान है, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। अदर देन ऑनर्स, मालिक के अलावा, आपने बैंक से लोन लिया है तो आपकी लाइबिलिटीज है, मालिक ने मेरा पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, वो लाइबिलिटी नहीं है, वो कैपिटल है बेटे। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल। बेटे हमारे पास अकाउंटिंग सर आती है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी की मीनिंग है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। ड्रॉइंग, गुड्स और अमाउंट विड्रॉ बाई ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग। बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए कोई पैसा या सामान बिजनेस से निकालता है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। गुड्स, आइटम इन विच एंटरप्राइजेज डील, कोई भी एंटरप्राइजेज जिस चीज में डील कर रहा है, जिस आइटम में डील कर रहा है, वो उसके लिए गुड्स होता है। और बेटे गुड्स को यहाँ पर हम चार जगह डिवाइड करते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। जो आइटम हमने परचेज किया है, खरीदा है, हमारे पास बाहर से आया है, वो हमारे लिए परचेज है। हम किसी आइटम को बाहर दे रहे हैं एक्सचेंज में, या पैसा लेके दे रहे हैं, हमारी सेल्स है। परचेज किया हुआ माल वापस आया, परचेज रिटर्न, और बिका हुआ माल वापस आया, सेल्स रिटर्न। बेटे गुड्स को चार जगह डिवाइड करना कंपलसरी है, अदरवाइज हमारे अकाउंट सही रिकॉर्ड हमारे को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे।